ऑल राइट एक्सपीरियंस वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल माई सेफ रॉग यूमेंट फॉर आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम सो गैस आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम का जो हमारा फेज टू होता है उसमें हमारा जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है उसमें हमारे थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं सबसे पहला हमारा ए स राइटिंग सेकेंड वन इज अवर प्रेसी राइटिंग एंड थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अब गैज़ ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है ये आर बी आई ने इसलिए इंट्रोड्यूस करा है क्योंकि टुमारो यू आर गोइंग टू बी एन आर बी आई ग्रेड बी ऑफिसर सो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना होगा जो आर बी आई के ऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो नोटिंग्स होती हैं उनको प्रिपेयर करना होगा और उस पर्टिकुलर जो नोटिंग्स हैं ऑर्डर्स हैं उनके जो लैंग्वेज का लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है अगर आप आर की वेबसाइट विज़िट करें वहाँ पर ऑर्डर्स देखें तो जो लैंग्वेज का लेवल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लेवल को समझने के लिए उस लेवल तक रीच करने के लिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट योर स्किल्स सो बेसिकली ये जो आपका पेपर है जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है ये आर बी आई ने इसलिए रखा है ताकि आपकी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स हैं वो आर बी आई चेक कर सके कि वो जो एस्परेंट जिसको सेलेक्ट कर रहा है वो बेसिकली उस लायक है या नहीं है सो so गैस आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पहले एस्पेक्ट को कवर करेंगे डैट इज़ अवर एसे राइटिंग और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि, कि किस तरह से आपको आपकी जो चॉइस दी जाती हैं उसमें से एक परफेक्ट टॉपिक को चूज़ करना है जिस पर आप प्रॉपरली 300 हंड्रेड वर्ड्स का ऐसे लिख पाएँ आफ्टर दैट क्या वर्ड लिमिट रहेगी आपके ऐसे की एंड देन आपको ऐसे ड्राफ्ट करने में क्या टाइम एलोकेट करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे देन आपको एक जो रफ ड्राफ्ट होता है ऐसे से पहले जो हम प्रिपेयर करते हैं वो किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें प्रिपेयर करना है एंड देन हम बात करेंगे कि, कि किस तरह से एग्जामिनर आपके ऐसे को इवेलुएट करता है क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड रहती हैं इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपके ऐसे का स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि आप किस तरह से ऐसे को ड्राफ्ट करें ताकि आपको जो मैक्सिमम स्कोर है वो हो पाए एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे जो ऐसे के टॉपिक हैं उनको किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा सो so, अब स्टार्ट करते वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सेलेक्शन ऑफ ए अब गैस ए सिलेक्शन की बात करें तो प्रीवियसली हमारे पास फाइव चॉइसेस अवेलेबल होती थी बट करेंटली इसको आर ने डिड्यूस कर दिया और अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोर चॉइसेस मिलती हैं और इसमें से हमें एक ऐसे को सेलेक्ट करना होता है अब गैर सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स को ध्यान में रखना है सबसे पहला आपको वो टॉपिक चूज़ करना है जिससे आप कंफर्टेबल हों अब कंफर्टेबल से मतलब मेरा यह है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास डेटा फैक्ट्स अवेलेबल हों आपके माइंड में क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आता है वो कभी कभी हमारा जो सब्जेक्ट वीक रहता है उससे आ जाता है एंड कभी कभी हमारे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट से आ जाता है तो अगर आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट से आ रहा है तो आप ऑलरेडी कम्फर्टेबल हैं बट अगर वीक पार्ट से रिलेटेड आपका वो टॉपिक है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं एंड जब आप कंफर्टेबल हो जाएं टॉपिक से आफ्टर दैट आपको क्या करना है सेकेंड फैक्टर पर मूव करना है क्योंकि गाइज क्या होता है कि समटाइम्स हम प्रॉपरली स्टार्ट तो कर देते हैं ऐसे को लिखना बट इन द मिडिल हमें ये चीज़ ध्यान आती है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मल्टी डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है सो so, आपको क्या करना है आपको वन और टू मिनट्स स्पेंड करने हैं ये देखने में कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ डायमेंशनस का डेटा है या नहीं है अगर नहीं है तो आप दूसरे टॉपिक पर स्विच कर सकते हैं ना अब बात करते हैं अबाउट द वर्ड लिमिट अब गैज़ एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे हमें जो ऐसे ड्राफ्ट करना होता है दैट इज़ अबाउट 300 हंड्रेड वर्ड्स में हमें ऐसे को ड्राफ्ट करना होता है बट गैज़ अगर हम इवेल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे आपकी जो वर्ड लिमिट है वो वेरी करती है मीन्स आपको टेन परसेंट बिलो द लिमिट आप लिख सकते हैं मीन्स लिमिट आपकी थ्री है तो आप इससे टेन परसेंट लेस लिमिट में आप मीन्स टू सेवेंटी वर्ड्स का भी ऐसे लिख सकते हैं एंड आप एव जा सकते हैं टू थ्री ट्वेंटी फ़ाइव वर्ड्स अब गैस इससे ज़्यादा वर्ड लिमिट आप क्रॉस ना करें क्योंकि अगर आप सारा टाइम अपने ऐसे में ही स्पेंड कर देंगे तो आपको प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए टाइम नहीं बचेगा तो आप मेक श्योर sure करें कि आप वर्ड लिमिट के अंदर ही अपने ऐसे को ड्राफ्ट करें उससे ज़्यादा ना करें क्योंकि अगर आप इसी क्वेश्चन में प्रॉपरली सारा टाइम लगा देंगे तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स हैं सिर्फ उतने ही मिलने हैं उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मेक श्योर sure करें कि आप वर्ड लिमिट के अंदर ही ऐसे को ड्राफ्ट करें मीन्स टू सेवेंटी फाइव वर्ड्स टू थ्री ट्वेंटी फाइव वर्ड्स बस इस पर्टिकुलर वर्ड लिमिट के बीच में ही आपका ऐसे लाई करना चाहिए नाउ वर्ड लिमिट के बाद अब बात करते हैं अबाउट द एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर योर ए कि बेसिकली आपका जो ऐसे होता है उसके लिए आपको किस तरह से टाइम को एलोकेट करना है अब वैसे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर है वो बेसिकली नाइन्टी मिनट्स का होता है सो so, इस नाइन्टी मिनट्स के अंदर हमें ऐसे राइटिंग भी करनी है प्रेसी राइटिंग करनी है एंड कॉम्प्रीहेंशन को भी अटैम्प्ट करना है सो so, अगर हम आइडियली टाइम को डिवाइड करें तो हम थर्टी 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 इस पर्टिकुलर रेशियो में टाइम को डिवाइड करेंगे सो ऐसे राइटिंग के लिए अगर हम 30 मिनट्स का टाइम डिवोट कर रहे हैं ऐसे राइटिंग को तो हमें इसमें वन टू टू मिनट्स अपने टॉपिक सिलेक्शन के लिए इन्वेस्ट करने हैं देन आफ्टर दैट हमें फ़ाइव टू एट मिनट्स में अपना जो रफ ड्राफ्ट है उसे प्रिपेयर करना चाहिए बेसिकली रफ ड्राफ्ट में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम अभी बात करेंगे बट यहाँ पे हम सिर्फ टाइम लिमिट की बात करें तो फ़ाइव टू एट मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं ऑन योर रफ ड्राफ्ट एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है अपने 18 मिनट्स जो हैं वो ऐसे को ड्राफ्ट करने में स्पेंड करने हैं एंड जब आपका प्रॉपरली ऐसे पूरा ड्राफ्ट uh, हो जाए आफ्टर दैट आपको ट्वेंटी एट मिनट्स आप यहाँ तक कवर कर चुके होंगे देन जो आपके रिमेनिंग टू मिनट्स होंगे इसमें आपको प्रूफ रीड करना है अपने ऐसे को मीन्स आपको चेक करना है कि आपने प्रॉपरली जो ऐसे को ड्राफ्ट करा उसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है कहीं कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है ये सारी चीज़ों को आपको चेक करना है क्योंकि आप अगर यहाँ पर नॉर्मली मिस्टेक्स करेंगे तो आपको मार्क्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे एंड आपको मैक्सिमम मार्क्स फिच करने हैं तो प्रूफ रीड ज़रूर करें आफ्टर ड्राफ्टिंग योर ऐसे नाउ टाइम ए लोकेशन के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट द किस तरह से आपको रफ ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना है अब रफ ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में लाने होंगे कि बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड व्हाट पार्ट आपको लाना होगा व्हाई हाउ व्हेन वेयर विच इन सारे जो क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड्स हैं इन सारे डायमेंशंस को आप अपने रफ ड्राफ्ट पर प्रिपेयर करना होगा एंड गैस समटाइम्स ये होता है जब आप इसे ड्राफ्ट कर रहे होते हो तो जो लाइन आप पर्टिकुलरली लिख रहे होते हो उससे अच्छी लाइन आपके माइंड में आ जाती है एंड आप उस समय क्या करते हो आप उस पूरे पार्ट को इरेज़ uh, करके फिर से लिखना स्टार्ट करते हो एंड क्योंकि वहाँ पे आपके पास कट एंड पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है तो आपको क्या ध्यान में रखना है आपको अपना जो रफ़ ड्राफ्ट है उसमें एक पैटर्न को भी प्लेस कर लेना है एक लिख लेना है कि मुझे इस पर्टिकुलर पैटर्न में मुझे अपने ऐसे को ड्राफ़्ट करना है एंड आफ्टर दैट आप जब रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी टाइम पे आप जो भी टॉपिक चूज़ करें हो उससे रिलेटेड एक बैकअप डेटा कि बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे फीड आउट करनी है क्या क्या डेटा मैं प्लेस कर सकता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मीन्स लाइक कोई फ़ैक्ट है कोई फिगर है वो सारी चीज़ें आप अपने उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट नोट में प्रिपेयर कर लें ताकि जब आप फाइनल ए को ड्राफ्ट करें तो वहाँ पे आप मिसमैच ना कर जाएं आप डिस्टर्ब ना हो एंड आप प्रॉपरली ऐसे को ड्राफ़्ट कर पाए ना हो आफ्टर दैट अब बात करते हैं अबाउट द इवेलुएशन ऑफ योर एसे कि बेसिकली आपका जो एसे है वो किस तरह से इवेलुएट करते हैं आइदर एग्जामिनर मैनुअल उसे करे या फिर थ्रू ए आई बेस्ड सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर जो चेक करता है आपका सॉफ्टवेयर हो गया या फिर जो मैनुअल इवेलुएशन है उसमें सबसे पहले आपकी वर्ड लिमिट मैटर करती है और वर्ड लिमिट मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी है कि 275 से 325 वर्ड्स के बीच में ही आपका ऐसे जो है वो लाइक like करना चाहिए आफ्टर दैट जो एग्जामिनर पॉइंट आउट करता है दैट इज़ आपने किस तरह से स्ट्रक्चर लिखा है अब स्ट्रक्चर में मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आपको ऐसे को अपना पैराग्राफ में ही नोट डाउन करना है क्योंकि बेसिकली हमें थ्री वर्ड्स का ऐसे लिखना है तो यहाँ पर आपको फाइव टू सिक्स पैराग्राफ का ऐसे होना चाहिए अगर आप शॉर्ट पैराग्राफ्स लिख रहे हैं अगर आप लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख रहे हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है आप कितनी वर्ड लिमिट का एक पैराग्राफ रखना चाहते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको बुलेट पॉइंट्स में ऐसे को नहीं लिखना है कोई भी हैडिंग नहीं रहेगी कोई भी सब हेडिंग नहीं कोई टाइटल नहीं कोई सब टाइटल नहीं एंड साथ ही साथ आपको ऐसे में अपने कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है ना ही कोई आपका एजम्पन होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको अपने ऐसे में इंक्लूड नहीं करनी है इसकी जगह पे आप क्या करें आप ट्राई करें कि आप एक मिडिल पाथ को ऑप्ट करें डिप्लोमेटिक या फिर न्यूट्रल वे में अपने ऐसे को प्रेजेंट करें एंड थर्ड चीज़ जो एग्ज़ामिनर इवेलुएट करता दैट इज़ कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं लाइक ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए पंचुएशन एरर नहीं होनी चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स एंड शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ नहीं करने हैं सो so ये जो आपके थ्री पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि इस तरह से आपका जो ऐसे होता है उसे इवेलुएट करते हैं एग्जामिनर आयर वो मैनुअल करे या फिर ए आई बेस्ड सॉफ्टवेयर के बेसिस पर करें नाउ अब इवेलुएशन के बाद बात करते हैं अबाउट द इम्पॉटेंट पॉइंट दैट इज़ स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली हमारा जो ऐसे होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट देन हमारे ऐसे की बॉडी एंड आफ्टर दैट हमारा ऐसे में क्या कंक्लूजन रहेगा अब इन तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक शॉर्ट स्टोरी को नरेट करके एंड ध्यान रखें कि ये स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए लॉन्ग नहीं होनी चाहिए एंड आफ्टर स्टोरी अगर आपके पास स्टोरी नहीं है आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कोई फैक्ट और डेटा है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं एंड अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है कोई डेटा नहीं है तो आप शुरुआत कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से लाइक वॉट वाई विच वेन वेयर इन सारे क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं देन आप शुरू कर सकते हैं एक कोट से बेसिकली कोई भी कोड जो आपके टॉपिक से रिलेट कर रहा हो आप उस कोड को प्रेजेंट करें इंट्रोडक्टरी पार्ट में एंड देन अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें नाउ अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि जब आप इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन का एंडिंग स्टेटमेंट एंड आपके बॉडी का स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो है वो दोनों में कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए और इसको करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है दैट इज़ कि आप अपने बॉडी के स्टार्टिंग में ही जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड सेंटेंसेस स्टार्ट करें सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन और बॉडी की स्टार्टिंग में जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा नेक्स्ट आपको क्या करना है जब आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया देन बॉडी के स्टार्टिंग में आपने कनेक्शन बिल्ड कर दिया देन आफ्टर दैट आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करना है जिसमें आपका सोशल एस्पेक्ट हो गया इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो गया पॉलिटिकल अगर उसका इन्वामेंटल एस्पेक्ट या डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है तो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं अब गाइज यहाँ पर बात आती है कि जो सोशल एस्पेक्ट है इसमें हम क्या क्या बात करेंगे तो यहाँ पर आप विमेन को इंक्लूड कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपका रोल यूथ पर क्या पड़ रहा है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उससे रिलेटेड फार्मर्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है या फार्मर्स का उसमें क्या रोल है आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं एंड एक चीज़ ध्यान रखनी कि जब आप अपने सोशल एस्पेक्ट से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर मूव करेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है एक कनेक्शन को बिल्ड करना है मींस आपका जो एंडिंग स्टेटमेंट होगा सोशल वाले एस्पेक्ट का वो कनेक्ट होना चाहिए थ्रू द स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एंड सिमिलरली आपको इकोनॉमिकल से पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल टू एनवामेंटल एंड एनवारेंटल टू डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ये सारे डायमेंशन के लिए आपको इसी तरह से ऐसे को ड्राफ्ट करना होगा एंड साथ ही साथ आप बॉडी में क्या कर सकते हो इंक्लूड कर सकते हो एविडेंसेस अगर आप जो पर्टिकुलर टॉपिक uh, पर ऐसे ड्राफ्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई एविडेंस है तो आप उसे पुट डाउन कर सकते हो कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप उन्हें इंक्लूड कर सकते हो और अगर आपके पास टफ़ हो रहा है आपको लग रहा है कि यार बॉडी में कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही या एस्पेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ तो आप वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम आउट कर सकते हो किस तरह से लाइक like, आप क्वेश्चन वहाँ पे डाल सकते हो व्हाट व्हाई हाउ एंड वेयर ये जो हमारे फोर क्वेश्चंस हैं इनसे आपको क्या मिलेगा न्यू सेंटेंस को फ्रेम करने का आइडिया मिल जाएगा सो so, ये बात हो गई अबाउट द बॉडी अब बात करते हैं अबाउट द कंक्लूजन अब गैस जब आप कंक्लूजन अपने ऐसे का बना रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है सबसे पहले आपने जितना भी पर्टिकुलर अपना ऐसे ड्राफ्ट आउट किया है उसको आपको क्या करना है सबसे पहले समराइज करना है कंक्लूज़न में अब बेसिकली अपनी पूरी थीसिस जो आपने लिखी है उसको आपको समराइज़ कर देना है एंड इसको आप कर सकते हो आप एक प्रॉपर विजन दे सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कोट है इसको इंट्रोड्यूस करने से मेरा कंक्लूज़न जो है बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप वहाँ पर कोट को इंक्लूड कर सकते हो आपको कोई श्लोक याद आ गया तो आप वहाँ पर श्लोक इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड एट एंड अगर वहाँ अगर आपका कोई जो टॉपिक है वो एक इशू है लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया तो वहाँ पर अगर कोई भी जो पर्टिकुलर इशू है उससे रिलेटेड आप सोल्यूशन दे सकते हो इन कंक्लूज़न और क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले हैं उस पर्टिकुलर इशू के आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो सो दिस इज़ अबाउट कि किस तरह से आपको अपने ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो प्लान करना है डिसाइड करना है अब गाइस बात करते हैं कि बेसिकली आपके ऐसे के क्या क्या टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं अब बेसिकली यहाँ पे हमारे जो ऐसे के टॉपिक्स हैं वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हैं सबसे पहली हमारी कैटेगरी रहती है दैट इज़ अवर ए आर डी कैटेगरी मीन्स एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेकेंड हमारा हो गया फाइनेंस एंड इकनोमिक्स एंड थर्ड हमारा हो गया हमारा स्टैटिक या फिर करंट रिलेटेड पार्ट अब ग एवरी ईयर क्या होता है कि एक टॉपिक हमारा ज़रूर आता है रिलेटेड टू अवर करंट अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में हमारा डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक टॉपिक आया था एंड अगर हम बात करें अबाउट 2019 तो वहाँ पे हमारा 5G लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे जो टॉपिक आया था दैट इज़ स्कोप ऑफ 5G एंड अगर हम 2022 की बात करें तो वहाँ पे ओ ओ डब्ल्यू ओ जी से रिलेटेड हमारा ऐसे पूछा गया था बेसिकली वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा गया था एंड इन 2023 में हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया था सो so गैस जो हमारे ऐसे के टॉपिक होते हैं वो रिलेट करते हैं हमारे करेंट पार्ट से एंड सम जो हमारा फाइनेंस सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स आते हैं एंड इकोनॉमिक्स जो जो हमारा ई वाला पेपर है उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स अगर हमने रीड करे हैं तो हमें ऐसे ड्राफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये सारे टॉपिक्स रहते हैं हमारे ऐसे राइटिंग के तो गैस दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप ऐसे राइटिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में रिगार्डिंग ऐसे राइटिंग तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड वी विल आंसर इट एंड गैस अगर आप आर बी ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एक ऐसा इको चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो ऑन आवर इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं सो गैस थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय जय हिंद